फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हार्डमिन क्लासेस। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 15 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करवाने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि वोल्केनो अनक क्या है। देखिए, वोल्केनो का नाम क्या है कि वोल्केनो अनक क्रकटाओ। ठीक है, ये जो वोल्केनो है 11 अप्रैल को क्या हो गया था, फट गया था। ठीक है, इरुप्ट हो गया था और इसका और इतना तेज़ी से ये फैला था कि आसमान में यह 500 मीटर दूरी तक ये फैल गया था। 500 मीटर दूरी तक इसका जो लावा निकल रहा था। तो आपसे ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि वेयर इज़ वोल्केनो अनक क्रकटाओ लोकेटेड। ये जो वोल्केनो है ये कहाँ पर स्थित है, थाईलैंड में है, जापान में है, इंडोनेशिया में है या इटली में है। तो इसके आंसर हो जाएगा हमारे पास फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, क्या नाम है वोल्केनो का, तो वोल्केनो अनक क्रकटाओ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हमारा 10 अप्रैल को। ठीक है फ्रेंड्स, कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हमारे 10 अप्रैल को। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का कि शांति हीरानंद चावला, ठीक है, शांति हीरानंद चावला जिनका हाल ही में मतलब अभी 10 अप्रैल 2020 में क्या हो गया, निधन हो गया। ठीक है, 87 वर्ष की उम्र में। तो आपसे ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि वो किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे, वो फेमस पर्सन थे किस फील्ड के, क्या वो पॉलिटिशियन थे, क्या वो एक्टर थे, क्लासिकल सिंगर थे या स्पोर्ट्स पर्सन थे। तो वो एक क्लासिकल सिंगर थे। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, वो एक क्लासिकल सिंगर थे। कौन, शांति हीरानंद चावला। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का कि कंट्रीज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइंड बाई $902 मिलियन टू हाउ मच डॉलर। अच्छा, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे कि मतलब अप्रैल के थर्ड वीक तक, ठीक है, अप्रैल के तीसरा सप्ताह तक जो अमेरिका का बोलिए या फिर जो फॉरेन कंट्री जो है वहाँ का जो ये है, क्या बोलते हैं, वहाँ का जो फॉरेन करेंसी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। वहाँ पे विदेशी मुद्रा भंडार जो है बहुत ज़्यादा गिरावट आ गया इस कोरोना वायरस के कारण। कितना गिरावट आया है, तो $902 मिलियन से आ गया है $474.66 बिलियन तक, वहाँ का जो मुद्रा है उसमें गिरावट आ गया है अमेरिकी डॉलर में कोरोना वायरस के कारण। ना देख रहे ना कितना आर्थिक व्यवस्था डूब रहा है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान COVID-19 के लिए, ठीक है, COVID-19 के लिए कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी जो है मतलब पता लगाने के लिए किया है, मतलब कौन सा इंस्टीट्यूट जो है पता लगा रहा है इसके बारे में। तो वो पता लगा रहा है हमारा ऑप्शन नंबर डी, श्री चित्रा थिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री चित्रा थिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने मनरेगा के तहत लाभार्थियों को 183 करोड़ रुपया जारी किया है। ठीक है, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर में जो लोग भी मनरेगा के तहत आते हैं उन लोगों को मतलब सबके खाता में जो मिला है पैसा, सबको टोटल कितना मिला है, 183 करोड़ रुपए मिल गया है। तो आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि जम्मू का गवर्नर कौन है, मतलब जम्मू में किसका सरकार है। तो वहाँ पर सरकार है हमारा गिरीश चंद्र मुर्मू का। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोलॉन्ग द कोरोना वायरस लॉकडाउन विच हैज़ बिन एक्सटेंडेड टिल 30 अप्रैल। मतलब कि 30 अप्रैल तक किस राज्य ने, मतलब कौन सा राज्य जो है इस कोरोना वायरस का लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, और वो जो है सबसे पहला राज्य है जिसने अपना लॉकडाउन का जो डे है उसको 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। ठीक है, और अभी तो आपको पता ही है कि आज मोदी जी ने क्या बताया था, सॉरी कल मोदी जी ने क्या बताया था, यही बात बताया था कि अब जो है अब ये लॉकडाउन रहेगा 3 मई तक रहने वाला है। लेकिन जो हमारा उड़ीसा है उन्होंने पहले ही बता दिया कि 30 अप्रैल तक ये होने वाला है। और हमारा जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पर भी ममता बनर्जी जो है पहले ही अनाउंसमेंट कर दी थी कि 30 अप्रैल तक लॉकडाउन रहने वाला है, लेकिन अब जो है ये 3 मई तक हो जाएगा, हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, आठवां नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का विच टू इंस्टीट्यूट हैव जॉइंटली डेवलप्ड अ रिमोट पेशेंट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम टू द कंडीशन ऑफ COVID-19 पेशेंट विदाउट हेल्थ केयर वर्किंग वर्कर्स रिस्किंग ऑफ क्या एक्सपोजर। मतलब क्या बोल रहा
कि कौन सा दो इंस्टीट्यूट जो है एक रिमोट पेशेंट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम को जो है तैयार कर रहा है। मतलब उससे क्या होगा ना कि जो पेशेंट लोग हैं अभी क्या है, अभी नर्स लोग जो है, अभी बाकी सब डॉक्टर लोग जो है ध्यान देते हैं, ठीक है, पेशेंट लोग को देखते हैं, लेकिन उस रिमोट को बनाने का वो लोग जो है कोशिश में लगा हुआ है, जिसके थ्रू जो है सब पे ध्यान रख सकें, वर्कर हो पेशेंट हो सबका ध्यान रख सकें, वर्कर पर नहीं मतलब कि पेशेंट पर जो है ध्यान रख सकें, ठीक है। तो ये कौन सा दो इंस्टीट्यूट मिलकर बना रहा है, तो ये बना रहा है हमारा ऑप्शन नंबर ए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एंड एम्स जो है ऋषिकेश का, वो दोनों मिल करके ये जो है रिमोट कंट्रोल जो है बना रहा है, ठीक है, ताकि ध्यान रख सके पेशेंट पे आराम से। नौवां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो कि OFB है, उन्होंने एक महामारी से लड़ने के लिए, ठीक है, इस कोरोना वायरस COVID-19 से लड़ने के लिए क्या बनाया है, एक आइसोलेशन वार्ड बनाया है, फ्यूमिगेशन चैम्बर बनाया है, फिर हैंड सैनिटाइज़र और फेस मास्क के लिए एक लागत प्रभावी समाधान विकसित किया है, ठीक है। मतलब कि इन सभी चीज़ का सहायता के लिए ना वो आगे आए हैं, OFB बोर्ड जो है, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है, इन्होंने एक डेवलप किया कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन इन सभी चीज़ के लिए। तो आपसे ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि इसका जो है उद्घाटन कब हुआ था, मतलब इसका स्थापना कब की गई थी इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का, तो इसका स्थापना की गई थी 1712 ईस्वी में, ठीक है। दसवां नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देश के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर COVID-19 के खिलाफ लड़ाई की आगे की कार्य योजना तय की। आप सभी को पता है कि ये थे सबसे पहला का ये पूछा जा रहा है आपसे कि पूरे राष्ट्र की 21 दिन की जो पूर्ण तालाबंदी जो हुआ था उसका घोषणा कब किया गया था। तो आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि इसका जो घोषणा किया गया था वो हमारे यहाँ पे मार्च का हो जाएगा, वो हमारा किया गया था कब, 24 मार्च को किया गया था, पता है ना, तब ना फिर वहाँ से आज हुआ 15 अप्रैल तक, यानी आज तक का ये लास्ट था, लेकिन आज से फिर ये जो है हो गया 19 दिन के लिए, और आज एक नया नोट मतलब क्या बोल रहे जारी किया जाएगा जिसमें नया नियम लागू होगा, है ना, कि 19 दिन के लिए क्या क्या होने वाला है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है 11 नंबर सवाल में कि किस संस्थान ने COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए दो तकनीकों को डिज़ाइन किया है, ठीक है, कौन से क्या है, डिसइंफेक्शन गेटवे एंड UV बेस्ड फेस मास्क डिस्पोजल बिन है, वो कौन सा जो है, मतलब कौन सा इंस्टीट्यूट जो है ये सब बनाया है, डिस्पोज किया है। तो ये भी देखिए वही हो जाएगा, श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी बनाया है, ठीक है। 12 नंबर सवाल है हमारा आज का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड टू प्रोडक्ट, कौन सा इंस्टीट्यूट जो है दो प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है 3D प्रिंटेड हैंड फ्री ऑब्जेक्ट और दूसरा है 3D प्रिंटेड एंटी माइक्रोबियल फेस शील्ड, ठीक है। मतलब कि फेस मास्क बना रहा है, पूरा फेस मास्क बोल सकते हो आप क्योंकि पूरा इसमें मुंह ढका रहेगा, वो भी 3D तरीके से बनाया जा रहा है, और दूसरा जो हैंड्स फ्री वो भी बनाया जा रहा है कोरोना वायरस के फैलने को रोकने के लिए। तो ये कौन सा बना रहा है, तो ये बना रहा है हमारा ऑप्शन नंबर बी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर क्या है फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि गुवाहाटी में स्थित है, वो बना रहा है। अब ये बन जाएगा तो अच्छा ही है। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि नेशनल पेट डे यानी कि राष्ट्रीय पालतू दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हमारा 11 अप्रैल को, ठीक है फ्रेंड्स, कब मनाया जाता है, तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील, मतलब कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस और स्टील का जो यूनियन मिनिस्टर है, मतलब जो इस्पात मंत्री है, जो प्राकृतिक गैस का जो मंत्री है, उन्होंने क्या किया कि 10 अप्रैल 2020 को G20 जो है ना, G20 में मीटिंग हुआ था, तो वहाँ पे उन्होंने भाग लिया। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अभी वो करेंट यूनियन मिनिस्टर कौन है, करेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील का कौन है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, कौन है फ्रेंड्स वो हमारे, तो वह हमारा ऑप्शन नंबर सी धर्मेंद्र प्रधान, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ के मंत्री कौन है, इस चीज़ के मंत्री कौन है, ठीक है। तो ये हमारा इसका लास्ट करंट अफेयर क्वेश्चन था फ्रेंड्स। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अब मैं आपको मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ।